हेमन बोरगर की तरफ से उनके भतीजे। अजय भाई तू ले, उनके भाई अजय भाई के कैमरा पुराने जबरदस्त गेंदबाजी की थी पट्टी ने। और राहुल की बहुत ही अच्छी गेंद जो के बैट्समैन नहीं समझ पाए और चकमा खा गए। कुर्सी छीन के बैठ ना ले। अरे कुर्सी कहाँ है? वो देखो बैठ खाली करके बैठ गया। एक यहाँ ले। राहुल की अच्छी गेंद और बहुत ही अच्छा हिट और ये 6 रन में। पहली गेंद चकमा देने के बाद दूसरी गेंद गोविंदा आला गवळ्याच्या पोरीनो जरा मटकी सांभाळा गोविंदा रे गोपाळ गोविंदा आला गवळ्याच्या पोरीनो जरा मटकी सांभाळा आला रे आला। अरे बहुत ही अच्छी 2 रन। मैं जो बैठे हुए YouTube के पास स्टेज के पास लोगों से निवेदन करूंगा प्लीज वहां से उठ जावे क्योंकि वहां से मैसेज आया है कुछ तकलीफ हो रही है। तो स्टेज पे जो बैठे हैं लोग हट जाए वहां से प्लीज, मेहरबानी होगी आपकी। वहां से उठ के कहीं और बैठ जाइए, आप पूरा मैदान पड़ा है आपके लिए। प्लीज जरा यूट्यूब वालों को तकलीफ ना दे। और एक बहुत ही अच्छा शॉट 2 रन में जाते हुए। सिराज भाई ए भाई बैठ ना, कुर्सी लेना भाई ले। कुर्सी खड़े नहीं, अच्छा लग नहीं रहा यार, इतनी अच्छी फील्डिंग किया तुमने। जल्दी आ सिराज काम है। बहुत ही स्पीड में बॉलिंग आई हुई जो कि बैट्समैन समझ नहीं पाए, लेकिन फिर भी 1 रन चुराने में कामयाब। तो इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन हो चुके हैं बिना कोई नुकसान के। सॉरी 11 रन बोल रहे भाई। पहला बॉल डॉट था कि सिंगल था? हाँ सब डबल ही है पत्र। सॉरी 11 रन हो चुके हैं एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई नुकसान के 11 रन रॉयल 11 के। और ये टॉस की बहुत ही अच्छी बॉलिंग, पहली गेंद समझ नहीं पाए और चकमा खाए। कीपर जो है ना इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है मैच खेलने में। और ये दूसरी गेंद वाइट क्लोज भी करेगा तो क्रॉस खड़ा रहता है। बैटिंग करते देखा नहीं मिलेगी, बैटिंग कर दो। सिंगल डबल के लिए ये सब तरतरन लोगे भागी है ना। बहुत ही अच्छी गेंद
टॉस की स्ट्राइक पे दीपक, किस तरह से मुकाबला कर पाते हैं टॉस का। बहुत ही अच्छा शॉट और ये चार रन में जाते हुए दीपक द्वारा। टेंशन नहीं लेता ये बंदा, टिप्पण उंचावर बांधा, ये ना करायचा नाही औंधा, आला ता हा थरांचा गोविंदा। सब बॉल पे तूने क्रॉस बैट घुमाया, तो कैसे टोना नहीं लगे तो क्या लगे तेरा? तू सामने भी गोरखपुर में थी, मुंबई में नहीं, क्रॉस बैट सीधा मारना है वो, 6 अभी से बैट ही मारना है। काकुल काकुल ही है। और ये बहुत ही अच्छा सिक्स देखने मिला है दीपक द्वारा। माखन चुराता है बंसी वाला, हे गोकुल चा चोरा चा लई बोल वाला, माखन चुराता है बंसी वाला, हंडी पर अमचा डोरा। चौबीस रन, चौबीस। कितना स्कोर हो गया? कितना स्कोर हो गया? 24 और ओवर दो ओवर खत्म। तो इस तरह से दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो गया है 24 रन रॉयल पैकर। अगली गेंद लेकर आते हुए इस तरह से घुमाया है, केवल एक रन मिलेंगे इस गेंद पर। गेंद जाती हुई कप्तान कोकरे के पास। इस तरह से कुल स्कोर बढ़कर 25 रन तक पहुंच चुका है। इसके पहले का मुकाबला बहुत ही रोमांचक था। अगली गेंद गेंदबाज की उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, देखते हैं क्षेत्र रक्षक, और एक कैच ले लिया है, बहुत ही अच्छा कैच राहुल के द्वारा। राहुल जो कि एक बहुत ही अच्छे क्षेत्र रक्षक हैं और एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं। बंदा कितनी पण उंचावर बांधा, टेंशन नहीं लेता ये बंदा, कितनी पण उंचावर बांधा, ये ना करायचा नाही औंधा, आला ता हा थरांचा गोविंदा। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि प्लीज जरा आप बाउंड्री के बाहर चले जाए, जरा प्लीज पंडित और सारे वहां पे जो दर्शक खड़े हैं। अगली गेंद खेल दिया है शॉर्ट कवर्स की एरिया में, एक रन चुराते हुए दूसरी रन की लिए ट्राई करते हैं, और ये दूसरा रन बहुत ही आसानी से इस तरह ओवर थ्रो भी मिला है वहां पर, और टोटल चार रन मिलेंगे। चार रन का इशारा अंपायर विश्वजीत का, बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण। एक रन के जगह पे दो रन और दो रन अतिरिक्त के रूप में मिले ओवर थ्रो। नए बल्लेबाज का नाम क्या है? सैंडी। तो इस तरह से टोटल स्कोर पहुंच चुका है 29।
थर्ड ओवर इज रनिंग, दो ओवर तीन गेंदे 29 रन, एक विकेट ना, एक विकेट के नुकसान पर रॉयल 11, रॉयल पैकर। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अभी तक रॉयल पैकर के बल्लेबाजों द्वारा। अगली गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का, इस तरह से अतिरिक्त के रूप में और एक रन का इजाफा रॉयल पैकर्स की टीम को और टोटल स्कोर पहुंच चुका है 30 रन, एक विकेट के नुकसान पर रॉयल पैकर। पिछला मैच पंडित 11 की टीम बहुत ही रोमांचक मुकाबले में हार गई। अगली गेंद, अच्छे से खेला है एक रनों के लिए, हल्के हाथों से एक रन चुराते हुए बल्लेबाज दीपक। कल हमें बहुत ही अच्छे अच्छे मैच देखने मिले और उम्मीद होगी कि आज भी उसी तरह के मैचेस हमें और हमें सभी दर्शकों को देखने मिलेंगे यहाँ पर। अगली गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज, घुमाकर खेलना चाहते थे लेकिन मिस हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, उछाल भरी गेंद जो बल्लेबाज को चकाते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एनी टाइम। अगली गेंद, बॉलर का नाम क्या? अभिजीत की अगली गेंद, फिर से घुमाकर खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर जाते हुए केवल एक रन यहां पर। बहुत ही अच्छी ओवर डालते हुए यहां पर गेंदबाज। इस तरह से तीन ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल पैकर्स का कुल स्कोर पहुंच चुका है 32 फॉर लॉस ऑफ वन विकेट। पंडित की टीम ने लड़ाई तो बहुत अच्छी की लेकिन कुछ एक मार्जिन के वजह से वो हार गए। तो उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कि उसूलों में आ चाहे तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा रहने के अंदाज जरूरी है। अगली गेंद, वाइड का इशारा अंपायर विश्वजीत का, इस तरह से एक और अतिरिक्त रन मिलेगा यहां पर। टोटल स्कोर पहुंच चुका है 33 रन। रन आउट हो गया, एक और विकेट रन आउट के रूप में जाते हुए। और अगले बल्लेबाज बैट्समैन नेम प्लीज, अजय। अजय, अजय जिनकी देखते हैं होगी विजय या होगी पराजय। अगली गेंद लेकर आते हुए टीम के कप्तान कोकरे, बहुत ही अच्छी तरह से खेला हुआ यह शॉट और उसी तरह अच्छी फील्डिंग करते हुए बहुत ही रिकी पॉन्टी के नाम से मशहूर नर्सरे। एक रन इस तरह से मिलेगा रॉयल पैकर्स की टीम को। तो अभी तक कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी शुरुआत की है रॉयल पैकर की टीम ने। और अगली गेंद कोकरे की, फुल टॉस गेंद, कवर्स की दिशा में खेला है, एक रन लेते हुए और केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा टीम को। अगली गेंद कोकरे की दीपक के लिए, दीपक जो कि ओपनर आए थे अभी तक खेल रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा शॉट घुमा के मारा है डाबर च्यवनप्राश, छक्का, बहुत ही लाजवाब शॉट दीपक द्वारा, लगभग 150 मीटर का छक्का है ये शॉट ऑफ द डे। बहुत ही अच्छी टाइमिंग, सीधे बल्ले से खेला।
चौथे ओवर की तीन बॉल की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंच चुका है रॉयल पैकर्स का 41 फॉर लॉस ऑफ टू विकेट। गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दीपक जो कि एक बहुत ही क्लासिकल बैट्समैन है, बॉल के मेरिट के हिसाब से खेलते हैं। अगली गेंद कोकरे, हल्के हाथों से गेंद छोड़ी हुई थी, स्लोअर बॉल थी जिसे घुमाकर खेलना चाहते थे दीपक, मिसफील्ड हुई वहां पर फील्डर द्वारा और दो रन लेते हुए दीपक। तो इस तरह से टोटल स्कोर पहुंच चुका है 43 रन। आखिरी दो गेंदें बची है, देखना है इन दो गेंदों में कितने रन खर्च करते हैं गेंदबाज कोकरे। तो कुल मिलाकर अच्छा मैच अभी तक हमें देखने मिला है, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छा क्षेत्ररक्षण। अगली गेंद कोकरे की, फिर से घुमाकर खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक रन लेते हुए दूसरे रन की कोशिश में और इस तरह से आसानी से दो रन मिल गए यहां पर बल्लेबाज को। तो इस तरह से आखिरी गेंद पहले इनिंग की लेकर आते हुए कोकरे। कोकरे की आखिरी गेंद, देखते हैं कितने रन मिलेंगे। हल्के हाथों से डाला अंपायर का इशारा वाइड का, इस तरह से अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और इजाफा। टोटल स्कोर पहुंच चुका है 46 रॉयल पैकर्स का, जो कि एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा। अगली गेंद कोकरे की, बहुत ही अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ जो मिस किया दीपक ने और डॉट बॉल, और इसी तरह से कुल स्कोर 46 पर पहले इनिंग की समाप्ति। तो 47 रनों का टारगेट मिला है आरके फाइटर, है ना, आरके फाइटर को, जो कि टेनिस क्रिकेट में एक साधारण सा लक्ष्य है। 47। हेलो, अगला मैच किसका है? कनक और काकुल। काकुल अगला मैच कनक 11 और काकुल 11। मैं दोनों कप्तानों से निवेदन करूंगा कि प्लीज यहां पर टॉस के लिए आमंत्रित हो जाए। कनक 11 के कप्तान अजय बोरगरे और काकुल 11 के कप्तान, प्लीज प्रेजेंट टू द स्टेज फॉर टॉस। दिस इज एन रिक्वेस्ट फॉर यू गाइस। भोजपुरी तो अपना तिवारी है ना? नहीं यार, इतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं, सब बाहर चलता है, मुंबई में सब लोग है ना। तो इस तरह से ये पहले हाफ का आखिरी मैच, जो कि आरके फाइटर को जीतने के लिए 47 रनों का लक्ष्य दिया गया है और ये रॉयल पैकर्स के खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं कुछ मंत्रणा करते हुए, आपस में विचार विमर्श करते हुए कि किस तरह से इस मैच को जीता जाए, किस तरह से इस मैच को जीतने के लिए लड़ाई लड़ी जाए। प्लान बनाते हुए उनके कप्तान दीपक, काकुल 11 के कैप्टन यहां पे आ चुके हैं। तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कनक 11 के कप्तान को, यहां पर पहुंच चुके अजय, प्लीज कम फॉर टॉस, कृपया टॉस लाया आई थे। आरके फाइटर के कप्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बल्लेबाजों को भेज दे। बॉक्सर उधर, इसमें से ही
दीपक ने कितना बनाया टोटल स्कोर? राम दीपक ने टोटल स्कोर कितना बनाया? हाई की दीपक ने कुल 9 गेंदों में 26 रन बनाए, तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने और अपनी टीम को अच्छे स्कोर, सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में उन अच्छा योगदान दिया। अजय प्लीज टॉस के लिए आ जाए यहाँ पर। अगला मैच हमें शीघ्र ही स्टार्ट करना है इस मैच की समाप्ति के बाद। आरके फाइटर प्लीज जरा बल्लेबाजी के लिए उतर जाए। तो दीपक ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, तो उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नाम ही खो दोगे तो किधर जाओगे और पहचान ही खो दोगे तो वहीं पे खत्म हो जाओगे। शुक्रिया। Remix by DJ Ashish. This is in request for RK Fighter batsman. Please start the match immediately. We are getting delay. We are already delay. So it's a request for you guys. Please start the match immediately. TNH. A button. Sun. Please left the ground immediately. Ashish. And also Mr. Praveen. Please out of the ground. It's not your match, guys. So RK Fighter need 47 runs to win the match in 4 overs. So let's see where this match is going. Bhojpuri chahiye aapko? Nahi re. अजय, तो मैं इस तरह से मैं अगले कमेंटेटर बाबूराव को यहाँ पे निमंत्रण देता हूँ आगे का हालचाल सुनाने के लिए। बाउंस सीमारे का पार चौकार, सुंदर शुरुआत क्रॉस द्वारा। अजय पुन्हा तयार आणि बॅटची मोठी कट घेऊन थर्ड मॅन दिशा गेला चेडू क्लिअर झोन मध्ये एका धावीसाठी। सुरेख गोलंदाजी करतायत ते अजय, रॉयल पॅकर्स कडून गोलंदाजी करतायत ते अजय। सभी ट्रॅक के ऊपर जो खिलाडी अपने जिनके आगे मॅच आहे होणे जा रहे सब पीछे रहे, क्योंकि किसी फील्डर को तकलीफ ना हो फील्डिंग करते समय। तुम्हारा भी टाइम आएगा, फिर हम इधर से भी उधर जाके खड़ा रहेंगे। फिर चला मैच शुरू करा। पुढचा चेंडू अजय यांचा आणि पुन्हा एकदा अतिशय त्यावरती कवर दिशेने एक धाव पूर्ण केली ती संकेत शहा उरपट्टास। प्रवास या नावाने आपल्या भांडूप क्रिकेट विश्वामध्ये प्रसिद्ध असलेले अष्टपैलू खेळाडू संकेत शहा, आरके फायटर्सचे सलामीर फलंदाज आणि सिद्धू। पाहूया पुढचा चेंडू सिद्धूसाठी। सुंदरसा चेंडू, उंच साहेब उडवलेला चेंडू, पाहूया नो मॅन्स लँड एरियामध्ये होते, परंतु सुरेख प्रयत्न होता तिकडे
पूरा बने ऐसे प्रकार का हिस्सा मान लगते थे सिद्धू है ना काकुली 11 सुंदर सा फटका शॉट ऑफ द डे शॉट ऑफ द डे मतलब शॉट ऑफ द डे मतलब दिवसातील सुरेख फटका आणि पहिल्या ही सामन्यामध्ये टॉस यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करून सामन्याला दुसऱ्या फेरीमध्ये दाखल केलं आणि दुसऱ्या फेरीमध्ये तोच परफॉर्मन्स कायम ठेवत आताच एक लक्षणीय षटकार मारला सोरेकच्या वरून तरी कनक 11 आणि काकू 11 त्वरित टॉससाठी हजर राहायचं आहे. डिले झाल्यास एक ओव्हर कापली जाईल नंतर नो कमेंट्स. कनक 11 के कप्तान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जल्द से जल्द टॉस के लिए आए. तो इस तरह से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टॉस अपनी टीम के लिए दीपक एक ओवर 13 रन आरके फाइटर का स्कोर और दूसरे ओवर लेकर आते हुए दीपक अतिरिक्त रन वाइट का इशारा अंपायर विश्वजीत का. दीपक जो कि बहुत ही छोटे रनअप से गेंदबाजी करते हैं 4 से 5 कदमों का इनका रनअप है तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर आरके फाइटर द्वारा. अगली गेंद सिद्धू के लिए दीपक द्वारा घुमाकर खेला है 2 रनों के जोन में अंपायर का इशारा 2 रनों का. और टॉस के बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं टॉस को बहुत समय से जानता हूं. वो एक गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध थे बट उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में बहुत ही अच्छा काम किया और आज वो एक अच्छे ऑलराउंडर के नाम से जाने जाते हैं. उठाकर खेला है सिद्धू ने देखते हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक कैच ड्रॉप हुआ वहां पर तो जहां पे विकेट मिलना चाहिए था वहां पे 2 रन मिले तो बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण करते हुए रॉयल पैकर्स के खिलाड़ी. अगली गेंद सिद्धू के लिए दीपक द्वारा अच्छी गेंद यहां पर दीपक द्वारा बल्लेबाज को चकाते हुए गेंद कहीं और थी और बल्लेबाज कहीं और खेल रहे थे तो इस तरह से अभी तक बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ फर्स्ट हाफ का आखिरी मैच. दीपक की अगली गेंद अंपायर का इशारा वाइड का. अंपायर विश्वजीत जो एक बहुत ही नामचीन अंपायर है बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर है जो कि बहुत ही पैनी नजर रखते हैं मैच पर. दीपक की अगली गेंद फिर से एक अतिरिक्त रन मिलेगा वाइट के द्वारा. दीपक अपनी लाइन और लेंथ से भटक चुके हैं उन्हें समझ में नहीं आ रहा शायद बॉल पे कंट्रोल खो दिया है उन्होंने. टोटल स्कोर पहुंच चुका है 20 रन एक ओवर 3 गेंद 20 रन और ये एज लगा है अंपायर का इशारा आउट का. अच्छी गेंद थी गुड लेंथ गेंद थी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी जिसको कवर्स की दिशा में खेलना चाहते थे सैंडी. बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर के हाथों में
20 रन हो चुके हैं इस तरह से आरके फाइटर का। अगले बल्लेबाज नरसड़े विकास 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 नरसड़े जो रिकी पॉन्टिंग के नाम से जाने जाते हैं आरके फाइटर की टीम के पंटर। He's coming with his hunter. दीपक की अगली गेंद और एक घुमाकर खेलना चाहते थे लेग साइड की दिशा में, केवल दो रनों से संतुष्ट होना पड़ेगा उन्हें। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए आरके फाइटर के बल्लेबाज टॉस और विकास। दीपक की अगली गेंद, टोटल स्कोर 22 रन पहुंच चुके हैं। अच्छी गेंद यहां पर दीपक द्वारा, अंपायर का इशारा ओवर का। तो इस तरह से दो ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंच चुका है 22 रन। इस तरह से दो ओवरों में कितना चाहिए और किससे है अभी राम, दो ओवर में कितना चाहिए? 25 चाहिए। दो ओवरों के बाद 25 रन। तो इस तरह से यह भी मुकाबला बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है। आप किसी भी टीम को विजेता इस समय नहीं बोल सकते। दोनों टीमें अच्छी फाइटिंग करते हुए तो देखना होगा कि यह मैच किस दिशा में जाता है। जो जीतेगा क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई करेगा ना? क्वार्टर नहीं, नहीं ये क्वार्टर नहीं, इसके बाद क्वार्टर रहेगा। क्वार्टर में प्रवेश किया है ना, जो जीतेगा क्वार्टर में जाएगा ना। ए ए राम, जो जीतेगा क्वार्टर में जाएगा। विकास क्वार्टर में जाएगा। इस टीम की विजेता टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी। अगला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज, बॉलर कौन है? बॉलर नेम प्लीज। गौरव थोड़ा फायदा हो गया, बारिश क्वार्टर में आएगा ना, सेमी में नहीं। वाइड बॉल पंचाचा निर्णय आणि बाईच्या रूपामध्ये एक धाव निषेधच, दोन धाव आताच्या। ये बॉलर का नाम पूछा यार, गौरव। पहा किती अडचण निर्माण होत आहे ज्यावेळी आपण आपला राखीव खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवत नाही, त्यावेळी निषेधच खेळाडूंची नावं माहित होत नाहीत। हे तुमची एक इनडिसिप्लिन गेम आहे। तुम्ही किती षटकार मारता, किती चौकार मारता, किती विकेट घेता ह्याला महत्व नसतं। पूरा चेंडू सुंदर फटका डीप मिडल दिशेने आणि दुसऱ्याचा प्रयत्न आणि सुरेख थ्रो आणि अरे जबरदस्त यशरक्षण केलंय तिकडे। कोण आहे यशरक्षणला? भांडुपचे स्पेशल कार लोपर आणि संतोष, जबरदस्त यशरक्षण आणि सुरेख थ्रो होता मिडगड क्षेत्रावरून।
नवीन फलंदाज आता है ते राहुल टीम आर के फाइटर साठी। सुंदरचा फटका लॉन्ग लाईन दिशेने मारलेला आहे वरती पाहूया आणि सुटलेला आहे झेल आणि दुसरीचा प्रयत्न रनआउटचा मौका आणि धावबाद टॉस धावबाद झाले अतिशय मोठा झटका आर के फायटर संघाला। निनावी गोलंदाज ज्यांचं आम्हाला नाव माहिती नाही तुमचा राखीव खेळाडू इकडे नाहीये तुम्हाला किती वेळा सांगितलं राखीव खेळाडू पाठवा म्हणून अमरेश पुढे चेंडू सुरेख चेंडू आणि त्या सुरेख त्या लंगोच्या दिशेने खेळून काढला यावरती एक धाव पूर्ण केली आहे। तुम्ही किती षटकार मारता याला महत्व नसतं तुम्ही किती डिसिप्लिन मध्ये आहात याला महत्व असतं। पाबडा चेंडू अमरेश यांचा समोर आहे ते अक्षय सिरसाट फुलटा चेंडू स्क्रीनच्या दिशेने खेळलाय आणि बहुतेक आणि निश्चितच कपडा सॉरी संतोष आणि सुरेख यश रक्षण करत एक धाव वाचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे सुरेश रक्षण संतोष यांचं अमरेश अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी करत आहेत ते पुढे चेंडू राहुल साठी वेल लेफ्ट निश्चितच पंचाचा निर्णय व्हाईट बॉल आणि संघाच्या धावसंख्येतील बदल 29 धावा झाल्या आहेत आणि अजूनही आठ चेंडू मध्ये 18 धावांची आवश्यकता अतिशय रोमांचक होणारा सामना आर के फायटर्स आणि पुढे चेंडू षडावधान चेंडू आणि डिक्लेअर झोन मारल्या मध्ये मारलेला आहे आणि पाहू किती धाव मिळते तिकडे आणि डिक्लेअर झोन एक धाव स्वरूपामध्ये डिक्लेअर झोन मध्ये गेलेला एका धावेसाठी पंच आहेत पंच कालपासून पंचगिरी करत तुम्ही आज खेळायला आलेला आहात त्याचं भान ठेवायचं आहे आणि अमरेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी करत आहेत ते समोर आहेत राहुल फुलटॉस चेंडू आणि नो बॉलचा निर्णय निश्चितच कमरेच्या वरती वेशाच्या वरती चेंडू होता आणि पंचानी अतिशय कटाक्षाने आणि पहा कुठे इजा झालेला आहे का फलंदाजाला नो बॉलचा निर्णय पंच दोन धावा त्याच्या निश्चितच धन्यवाद पंच शाबीर शेख आणि फ्रीडचा चेंडू असणार आहे पुढचा पंच विश्वजीत बाबल यांनी सांगितलं की याचा चेंडू फ्रीट असणार आहे अमरेश समोर आहेत ते अक्षय पाहूया सुंदर फटका मिडविशन मारला चेंडू यावरती एक धाव पूर्ण केलेला आहे दुसरीचा प्रयत्न करत पाहूया आणि सुरेख थ्रू जबरदस्त आणि थोडा कलेक्ट करताना थोडीशी मिसफिट झाली आहे निश्चितचा परिणाम एक धाव अतिरिक्त मिळत आहे ती आर के फायटर संघाला संघाची धाव संख्या पोहोचते ती
34 रन्स हो गए, 34 रन हो चुके हैं, 13 धावांची आवश्यकता। तो इस तरह से यह मैच बहुत ही रोमांचक हो चुका है और एक ओवर में 13 रनों की आवश्यकता है आरके फाइटर 11 को, जो कि रबर क्रिकेट में कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। स्ट्राइक लेंगे राहुल और रॉयल पैकर्स की ओर से आखिरी ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज। बॉलर का नाम क्या है? बॉलर नेम अक्षय। तो देखना है जीत किसकी होती है। अक्षय इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आते हुए, एक ओवर में 13 रनों की आवश्यकता है आरके फाइटर 11 को। पहली गेंद को घुमाकर खेलना चाहते थे शॉर्ट पॉइंट के एरिया में, एक रन लेकर जाते हुए दूसरे रन की कोशिश में, और ये दो रन आसानी से चुरा लिया यहां पर आरके फाइटर की टीम ने। तो इस तरह से 5 गेंदों में 11 रन। निश्चितच पंचाने थर्ड अंपायरला बोलवले आहे आणि ते थर्ड अंपायरचं काम करणार आहेत ते प्रदीप सिंग, कारण फेकी कसा दिला जातो ते माहित असणंही गरजेचं आहे। पंच प्रदीप सिंग यांना पाठवलेलं आहे तिकडे। अरे आमचे अनुभवी गोलंदाज स्वतः तिकडे थर्ड अंपायरची भूमिका पार पाडत आहेत प्रदीप सिंग। तवे अक्षय आणि अजूनही पांच चेंडू मध्ये 11 धावांची आवश्यकता। चुरशीचा सामना आरके फायटर्स आणि रॉयल पॅकेज संघा दरम्यान होत आहे। आज आंतर भांडुप आमदार चषक 2019 मधील सामने चालू आहेत। पडता चेंडू सुंदर असा पंच केला आले हा सीमा रेखा पार, षटकार जबरदस्त। धन्यवाद डीजे। आणि मॅच 4 चेंडू मध्ये, अजूनही 5 धावांची आवश्यकता, सामना संपलेला नाही, अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत। पाव्या गोलंदाज कसा कमबॅक करतायत। निश्चितच हा रबर क्रिकेट हा कोणाचाही नाहीये, कोणत्याही चेंडू मध्ये काहीही होऊ शकतं। पाव्या काली आपण 2 सामने टाय होताना पाहिले आहेत। पावडचा चेंडू, आजही एक टाय झालेला आहे मॅच आणि पंडितला सुखद धक्का भेटला होता, दुखद सॉरी। पहिला चेंडू अक्षय यांचा समोर आहे, ते राहुल टीम आरके फायटर साठी झुंज देत आहेत। पहिला पडता चेंडू शॉर्ट मिडगेट वरती अजय अमरेश सॉरी। पहिला पडता चेंडू अक्षय यांचा, आणि जबरदस्त गोलंदाजी निश्चितपणे लेगबायच्या स्वरूपात। धन्यवाद लेगबायच्या स्वरूपामध्ये धावसंख्येत वाढ कंपल्सरी चेस आहे, कारण ते टाय झाले, टाय झालेल्या टीम घरी गेलेले आहेत त्यामुळे कंपल्सरी चेस आहेत। पाहूया अक्षयचा पुढचा चेंडू समोर आहेत ते अक्षय, अक्षय वर्सेस अक्षय, अक्षय सिरसाट सामना करणार आहे ते अक्षय पॅकर्स रॉयल पॅकर्स कडून। 3 चेंडू 4 धावा, सुरेख फटका डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी। 2 चेंडू 3 धावा आणि कॅल्क्युलेशन शांत थंड दिमागाने करायचं आहे। गोलंदाज असो फलंदाज असो क्षेत्ररक्षक असो, सर्वांना माहित असणं गरजेचं असतं मॅच खेळताना किती चेंडू मध्ये किती धावा हवे आहेत आणि आपण कोणत्या कंडिशनला आहोत।
अजूनही या सामन्यामध्ये 50-50 असा बॅलन्स आहे. 2 चेंडू 3 धावा. बॉल पंचाने ठरवलेला आहे की बॉल दुसरा पाहिजे. चला सामना तोल सुरू करत आहे. पंच काय तो डिसिजन तुम्ही घ्यायचा आहे. चला अक्षय तयार आहेत, दोन्ही अक्षय तयार आहेत. कोणता अक्षय विजयी करतोय पाहूया. मैदानावरती लक्ष असू द्या, आपण सामन्यामध्ये खेळत आहोत. कोहली ध्यान द्या, कोहली आपले पांडवचे जबराट कोहली चेंडू आणि जबरदस्त चेंडू यार्किश लेदारी पर्यंत पाहूया. डाऊन द ग्राउंड गेला चेंडू, थोडीशी मिसळ्या पर्यंत आणि पाहूया शरेक थ्रो, परंतु जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट. सामना इथे टाय होते. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट राहुल आणि अक्षय दरम्यान. आणि हा सामना टाय झालाय सद्यस्थितीला. अजूनही एका धावीची आवश्यकता आणि ते कंपल्सरी चेस आहे, त्यामुळे अजूनही हा सामना चित्त थराक होण्याची शक्यता. आतापर्यंत 2 ते 3 सामने टाय झालेले आहेत, त्यामुळे पाहूया या सामन्यामध्ये पण. हा चेस होत नाहीत, चेस हा टायच्या दरम्यान अडकतो हे आपण या काल आणि आजच्या दिवसामध्ये पाहिलेलं आहे. पाहूया थोडेसे पाहूया. 1 चेंडू 1 धाव. पाहूया अतिशय चित्ततरारक सामना पाहताना मिळत आहे आपल्या आमदार चषक 2019 पावसाळी रबर क्रिकेटचा सामना आपल्या कृष्णा मोटर्स सोनापूर मध्ये. पाहूया दोन्ही अक्षय मैदानामध्ये, दोन्ही अक्षयवरती कॅमेरा. कोणता अक्षय जिंकतोय, आरके फायटर्स अक्षय जिंकतोय की पॅकर इलेव्हनचा, रॉयल पॅकरचा जिंकतोय. सर्व खेळाडूंची त्याला साथ असणं आवश्यक. पाहूया अक्षय वर्सेस अक्षय. 1 चेंडू 1 धाव. अतिशय जबरदस्त सामन्याचा चित्त थरारक लाइव टेलिकास्ट टेनिस क्रिकेट द्वारा. पाहूया आणि हा चेंडू. अरे कालच म्हटलं होतं की आतापर्यंत 3 सामने टाय झालेले आहेत आणि हा 4th टाय झालेला आहे. पूर्णपणे डॉट झालेला चेंडू आणि जिंकलेला आहे अक्षय. रॉयल पॅकर अक्षय जिंकलेला आहे, रॉयल पॅकर जिंकलेला आहे सामना टाय करूनही. कनक 11-11 आले की नाही अजून 11 तुमचे त्रास करणार नाही तुम्हाला वाटतं आजच्या दिवसामध्ये. समोर टीम येऊन गेली माघारी. काकुल 11 आलेत का मग, 1 तास झाले येऊन बसल्यात लाईव्ह टेलिकास्ट मध्ये. चला सामन्याचा टॉस आपण करत आहोत. दोन्ही आपल्या भांडूप मधील सर्व आज भांडूपचे सर्व सामने होत आहेत इथे.